सर आप लोगों को नमो बुद्धा, जय भीम। हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं। आज आप भगवान बुद्ध की धरती पर आए हैं कुशीनगर में, और भगवान बुद्ध के यहाँ महापर्व निर्माण स्थली भी है, और आज पूर्णिमा का दिन है। ये पूर्णिमा पूरे देश में क्या विदेशों में भी बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता है, और इस अवसर पर आपके द्वारा करीब 100-150 लोगों के बीच में धम्म संदेश दिया गया, जिसमें धम्म उपासक उपासिका लोग मौजूद थे, और बहुत अच्छा लगा। इस पर आज हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? आपका नाम सर? मैं हरि गौतम विमल, बेसिकली मैं आगरा से हूँ, और धम्म भूमि श्रेष्ठ जीवन के लिए जो बौद्धों का राष्ट्रीय संगठन है, ये द्वारा आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर और ऐतिहासिक जगह पर ये महिला सम्मेलन का आयोजन धम्म भूमि की तरफ से आयोजित किया गया। 2600 वर्ष पूर्व तथागत ने अपनी मौसी को भिक्कुनी की यानी धम्म दीक्षा देकर महिला भिक्कु संघ की स्थापना की थी 500 स्त्रियों के साथ में। तो ये बौद्धों के लिए बहुत ही ऐतिहासिक और पावन अवसर है। इसी अवसर पर हम लोगों ने ये कार्यक्रम आयोजित किया कुशीनगर में, जहाँ तथागत का महापरिनिर्वाण हुआ था। तो तिथि के हिसाब से और स्थान के हिसाब से भी आज का दिन बौद्धों के लिए बहुत ही ऐतिहासिक और पावन है। इसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किया। धम्म भूमि जो बाबा साहब द्वारा व्याख्यायित बौद्ध धम्म है, उसके अनुसार बुद्ध धम्म का पूरे देश में प्रचार प्रसार करती है। धम्म भूमि का वर्तमान में लगभग 21 राज्यों में संगठनात्मक ढांचा है। इसमें उपासक उपासिकाओं, हम गूगल मीट्स के माध्यम से, फिजिकल मीटिंग्स के माध्यम से विभिन्न सम्मेलन आयोजित करके विभिन्न प्रकार के महिलाओं के लिए, उपासकों के लिए, उपासकों के लिए इस तरह के आयोजन करते हैं और धम्म का प्रचार प्रसार करते हैं। हम लोग विशुद्ध रूप से बाबा साहब द्वारा जो व्याख्या की गई है और बाबा साहब द्वारा विश्व का जो महान ग्रंथ लिखा गया है बुद्ध और उनका धम्म, उसी के अनुसार बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। हम धम्म के प्रचार मैगजीन का भी निकाल, एक मैगजीन मासिक पत्रिका है, उसका भी प्रकाशन करते हैं। उसकी लगभग 1000 प्रतियां हम लोग पूरे देश के उपासकों को वितरित करते हैं। ये हमारा संगठन पढ़े लिखे और मुख्यतः जो अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग हैं उनके द्वारा पोषित है, और हम लोग इस कार्य में निरंतर प्रगति कर रहे हैं। हम लोग महिलाओं को भी, उपासकों के साथ साथ उपासिकाओं को भी, जो पुरानी रूढ़िवादिता उनके अंदर भरी पड़ी है, इवन यहाँ तक कि उनके जो है श्रृंगार से संबंधित कुछ चीज़ें हैं उनको भी दूर करने के लिए, उनकी वेशभूषा के लिए, उनकी भाषा शैली के लिए हम प्रयासरत रहते हैं। और आज का जो कार्यक्रम हुआ है हमारी तैयारी के हिसाब से बेहद सफल रहा है। इसमें न केवल कुशीनगर के उपासक उपासिका उपस्थित हुए, 6 प्रदेश के भी उपासक उपासिकाएँ थे। इसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आपके दिल्ली और छत्तीसगढ़ और यूपी के उपासक उपासिका थे, और कुशीनगर के साथ साथ बस्ती से भी हमारे धम्म उपासक इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। तो आज के इस पावन अवसर पर हम धम्म भूमि की तरफ से सभी उपासक उपासिकाओं को, बौद्ध अनुयायियों को अपने उनके सफल, सुखी, समृद्ध जीवन के लिए मंगल कामना प्रेषित करते हैं। सब लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें और समृद्ध।